जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हनी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो बिहार में बिहार SSC में जो आपका कार्यालय प्रचार के ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आप कैसे जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है 10 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। उसका पूछता है क्या आपने 12/12/2012 के बाद या उससे पहले आवेदन भरा है, और आपने भरा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसका पूछता है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन, तो आपने किस जिला से फॉर्म फिलअप किया था, तो वो आपको डालना होगा। क्या आपने इसे प्रकाशित में अंतर भरा गया है, यहाँ पे पूछता है क्या आपने इस जिला द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन आवेदन पत्र भरा था, तो हाँ करना है अन्यथा आपको नहीं करना है। अगर आपने हाँ किया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, तो आपको वो आपको डाल देना है। उसका पूछता है जिले में आवेदन पत्र जमा करने का वर्ष कौन सा था, तो वो आपको डाल देना है। एंड उसका पूछता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज होना अति आवश्यक है, तो वो आप अपना नंबर डाल देंगे। अगर आपको ये आपको जो है बिहार में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर सर्च मारेंगे बिहार एम्प्लॉयमेंट, तो आपको क्या है बिहार एम्प्लॉयमेंट सर्च मार लेंगे एंड आपको जो है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बिहार एम्प्लॉयमेंट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिहार जॉब पोर्टल पर जाकर। एंड यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसका पूछा एप्लीकेंट नेम, तो आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना, आपका नेम क्या है वो आपको उसका फादर्स नेम डालना होगा, फादर्स नेम क्या है एंड उसका मदर्स नेम नीचे दिया हुआ है। वही आपको पूछा आपका बिहार का डोमिसाइल है, तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछा जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड उसका पूछा आपका कैटेगरी जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जो SC ST इन तरीके की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या है यहाँ पर पूछता है आपके पास EWS है, आपके पास EWS अवेलेबल है तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र नंबर आपका जो EWS है या जाति है उसका किस डेट में इश्यू हुआ था वो आपको डालना होगा। वहीं नीचे पूछता है आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं अन्यथा आपको नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको किस टाइप का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर है, किस डेट में इश्यू हुआ था, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। वहीं आपको पूछता है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता सेना आश्रित हैं तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसका पूछता है टाइप ऑफ आईडी, तो आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई और प्रूफ है, तो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपको यहाँ पर नंबर डालना होगा। एंड उसका पूछता है आपका बॉडी मार्क्स, तो आपके चेहरा पे कोई तिल है या बॉडी पे कोई कट है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद दिया हुआ आपका मोबाइल नंबर, तो नीचे आपका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। एंड मोबाइल नंबर कंफर्म कर दें तो याद रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खुद का ही लगाना है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए, और आपको यहाँ पर ईमेल डाल देना है, ईमेल को कंफर्म कर देना, कंफर्म मतलब आपको दोबारा डाल देना है। वही आपका दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको क्या सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डेट आपको सेलेक्ट करना होगा। उसका था करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा एंड आपका विलेज आपको डाल देना है। वहीं आपका पूछता है आपका जो है थाना कौन सा है वो आपको डाल देना है एंड पोस्ट ऑफिस का है वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। ये डालने का यहाँ पे आपका पूछता है आपका पिन कोड जो है आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। उसका था परमानेंट एड्रेस, ये होता है आपका करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो दोनों अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। वही आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका 10th का 8th है, आपका 8th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था तो वो आपको सब्जेक्ट डालना होगा। तो सब्जेक्ट डालने के बाद आपको पूछता है किस बोर्ड से था तो वो आपको डालना होगा एंड आपका टोटल मार्क्स कितना था एंड आपको ऑफ 10 जो है कितना हुआ है, आपका प्राप्तांक क्या है तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपका परसेंट ऑटो कैलकुलेटर क्या आ जाएगा। उसका पूछता है आपका डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन था, सेकंड था, थर्ड था, वो आपको डालना है। उसका पूछता है आपका पासिंग डेट, तो आपको यहाँ पर क्या है पासिंग डेट आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ है वो आप डाल सकते हैं। एंड उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर
डालना होगा। वहीं आपका आता है आपका टेंथ की मार्कशीट, तो आपका टेंथ का जो है रिकॉर्ड आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, टेंथ का रिकॉर्ड आपको चढ़ाना है, किस बोर्ड से पास किया था वो आपको देना होगा, कितने कौन कौन सी सब्जेक्ट थी किस बोर्ड से किया है वो आपको सिलेक्ट करना है, एंड आपका टोटल मार्क्स एंड ऑफ टेंथ कितना था वो आपको डालना होगा। परसेंट ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, उसके बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। वहीं आपको पूछा किस डेट में आपका रिजल्ट इश्यू हुआ था, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड डाल देना है, एंड क्लिक एडिट और रिव्यू पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर अगर एडिट गलत है तो एडिट कर लेंगे, उसका नहीं है तो आपको कन्फर्मेंट सबमिट कर देना है। और जैसे आप कन्फर्मेंट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है, तो आपको यहाँ पर क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख लेना है, एंड क्लिक हियर टू लॉग इन कर देना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डाल देंगे एंड लॉग इन बटन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे आप लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या है आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट कर देना है, एंड पेमेंट के बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीसी या एसबीआई किसी से पे करना चाहते हैं। पे करने के बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फाइनल कर देना। तो आप सिलेक्ट करेंगे किस बैंक से आप जो अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जिस पे में बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पेमेंट जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आप किसी से पे कर देंगे। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन आपको जो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।